वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज की वीडियो में जो है मैं बात करने वाली हूँ स्किन केयर से रिलेटेड, तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है मैं बात करने वाली हूँ आज की वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में। तो सनस्क्रीन भी एक कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे स्किन केयर पे, ये आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग जानते ही हो। और हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सनस्क्रीन जो है वो सिर्फ समर्स में यूज़ करना चाहिए, सिर्फ समर्स में इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। सनस्क्रीन जो है वो ऑल सीज़न में हमें यूज़ करना चाहिए, चाहे वो समर्स हो, मॉनसून हो या फिर विंटर्स हो, हर एक सीज़न में हमें सनस्क्रीन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात ये आती है कि मार्केट में तो कई सारे सनस्क्रीन हैं, तो हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना है कन्फ्यूज़न दे देता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आई हूँ, आप सभी के लिए मैं रेडी हूँ एज़ यूजुअल। तो आप जानते हो कि मार्केट में तो है ही अवेलेबल, लेकिन हमें ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो कि हमें सन से प्रोटेक्ट भी करे और साथ ही में केमिकल फ्री भी रहे। तो कैसा रहेगा ये कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बढ़िया ना? तो सनस्क्रीन कैसे यूज़ करते हैं ये तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। आज मैं सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिस ब्रांड का वो सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा है, उसको मैं पिछले कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा और साथ ही में वो पैराबेन फ्री है, तो वो ज़्यादा ही मेरा फेवरेट है। आप लोग जानते हो मैं हमेशा ही केमिकल फ्री प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ये आपके स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बिल्कुल सेफ़ होते हैं। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, सनस्क्रीन कैसे यूज़ करते हैं मैं बता देती हूँ। जब भी आप बाहर जाओगे एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर पहले ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। SPF 40 तो इससे अच्छा असर होता है आपके स्किन के ऊपर, वो इफ़ेक्ट भी अच्छा करता है। तो इसका जो ये है ना आउटर पैकेजिंग है, तो ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये बाहर से। तो अगर इसके इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सुपर इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, जिसके अंदर है ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, गोजी बेरी एंड मलबेरी और हायलुरोनिक एसिड। तो जैसे हम देखते हैं कि ब्लूबेरी जो है, आप लोग जानते हो कि ब्लूबेरी के अंदर हाई विटामिंस एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपके स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही में ये एक नेचुरल स्किन प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। स्ट्रॉबेरी में जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से और एजिंग साइंस को भी ये डिले करता है। और रसबेरी की अगर बात करें तो ये जो है इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, जो कि सन से डैमेज हो चुकी है उसको ये रिपेयर करता है। और गोजी बेरी की अगर बात करें तो ये आपके स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करता है और आपके स्किन से रिंकल्स को भी ये रिड्यूस करता है। और अगर मलबेरी की बात करें तो ये आपके स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करता है और ब्लेमिशेस को भी कम करता है और आपकी स्किन को सन से डैमेज होने से ये बचाता है। और हायलुरोनिक एसिड के बारे में आप तो जानते ही हो, ये जो है एक पावरफुल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है, जो कि आपके स्किन के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन रखता है और नेचुरल हाइड्रेशन को मैक्सिमाइज करता है। और अगर हम बॉटल के इस साइड देखेंगे तो आप देख सकते हो उसको कैसे यूज़ करना है ये मेंशन किया हुआ है। और साथ ही में ये जो प्रोडक्ट है मैंने पहले ही बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेंशन किया हुआ है, पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। तो इस तरीके के जो भी हार्मफुल केमिकल है इन सब से ये फ्री है, जो कि आपके स्किन को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसके अंदर के आप इन्ग्रीडियंट्स देख सकते हैं, अब बात करते हैं इसके MRP। तो MRP जो है इसका 595 rupees है फॉर 50 ml, और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 2 years का आता है। और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी, ये पेटा अप्रूव्ड ब्रांड है और ये वीगन है। अब इसके अंदर की जो पैकेजिंग है वो हम देख लेते हैं कि अंदर से किस तरीके से दिखता है। अगर आप अंदर से देखेंगे इसकी पैकेजिंग तो कुछ इस तरीके से आता है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लग्जूरियस पैकेजिंग है और बहुत ही हैंडी है, एकदम स्लिम बॉटल है। और ये प्लास्टिक बॉटल आता है और ये पंप बॉटल है, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं करता है, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से इसका पैकेजिंग है अंदर से, और जो हमने आउटर पैकेजिंग में पढ़ा वही सब इसके अंदर मेंशन किया हुआ है सेम।
तो इसका टेक्सचर वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर भी कैसा है आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो इसकी बॉटल तो आपने देख ही ली है, कितनी ज़्यादा स्लिम है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बहुत हैंडी है। तो इसके ऊपर ना यहाँ पे कैप दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से रिमूव करना है और ये पम्प बॉटल रेडी है। और आपको यहाँ से जस्ट पम्प करना है अपने स्किन के ऊपर जितना आपको चाहिए, नॉर्मल 2 to 3 आपको बस चाहिए होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका कंसिस्टेंसी है, तो काफ़ी थिक भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लाइट भी नहीं, क्रीमी है और ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है आपके स्किन के ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ मसाज करके, ये आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। ये देख लीजिए ये कितने जल्दी अब्सॉर्ब भी हो गया है, और आप देख सकते हो बिल्कुल भी वाइट कास्ट इसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो सनस्क्रीन अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आपको बाहर जाना हो तो आप आधा घंटा से 1 घंटा पहले ही आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन को, और आप बीच बीच में इसको हर 3 घंटे के गैप के बाद भी अप्लाई करिए ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। और ये जो सनस्क्रीन है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपके स्किन के ऊपर आपको बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होगा, और इसको लगाने के बाद आपको पसीना भी नहीं आता है। बहुत से ऐसा होता है कि ऐसे आते हैं सनस्क्रीन जिसको लगाने के बाद आपको इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है ना, इरीटेशन होता है उसकी वजह से, तो ये वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत लाइट वेट है, बहुत कम्फर्टेबल है यूज़ करने के लिए। तो आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसका बाय करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो।